तो यहाँ पे बच्चे तैयार हो के भाई खेल रहे थे जाने के लिए नानों के घर। सब इकट्ठे होके जा रहे थे, पहली दफ़ा मतलब एक अरसे के बाद हम ऐसे जा रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर नानों के घर बच्चों को लेके। तो रास्ते में इतनी ट्रेजेडी हो गई कि क्या बताऊँ सच्ची, बच्चे भी रो रो के, कोई हानि उन्होंने छोड़ा हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। सीरियसली मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी। दिखा देखिए ज़रा ये वीडियो। रेंजर तो सामने रोक लो भाई, रेंजर तो सामने रोकना भाई, बच्चे गलत भी तू है। तो देखा आप सामने क्या कुछ हुआ हमारे साथ, और इसकी वजह से इतना डर गए थे हम सब के कुछ भी करने का, मजीद भी लोग बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अल्लाह अल्लाह करके हम अपनी माँ अम्मी के घर पहुँचे। तो बस सच्ची आजकल तो गरीब बंदे का कोई ज़माना ही नहीं है। रिक्शे वाले को देख के वो ऐसे हो रहे थे जैसे उनके सर पे खून सवार हो गए। यही उनकी हम इस रिक्शे वाले की जगह कोई कार वाला होता, गाड़ी वाला, तो हम देखते वो बाइक वाला कैसे ऐसे चढ़ाई करता उसके ऊपर। सच्ची ऐसे उसको मारने के लिए उसके सर पर सवार हो रहा था जैसे इसने इसकी जान ही ले लेनी है। तो हमने ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, बस अम्मी के साथ ही पास ही अम्मी के घर के पास ये छोटा सा झूले वाला था, यहाँ पे बच्चों को आ गए झूला दिलाने के लिए। इतने में बच्चे खुश हो गए थे, उनको एंजॉय करवाया, झूला लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ डर रहा था, उसने नहीं झूला लिया, वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो चुका था, कह रहा था मुझे चाहिए नहीं है झूला, मैं नहीं लूँगा झूला। सो यहाँ पर ज़ैनब आए और ज़ैनब मनाहिल और इब्राहिम ने सिर्फ झूला लिया था, उन्होंने खूब मज़ा किया। लेकिन यान मुंह बना के घर चला गया था वापस। तो इनको झूला दिला के तो हम घर गए थे फिर अम्मी के पास। हमारे जाने से पहले अम्मी और अब्बू खाना बना रहे थे हमारे लिए, ज़्यादातर अब्बू अम्मी की हेल्प करते हैं, हमें भी करती हैं, लेकिन एक्चुअली अब्बू होटल का काम करते हैं तो फिर दोनों मिल के ये काम करते हैं खाना पकाने का। यहाँ पे इब्राहिम एक्शन लगा रहा है फूल अपनी मस्ती में कि अयान ने झूले ले रहा और मैं ले रहा हूँ, उसको चढ़ा रहा है। इसका इतना झूले का साउंड था, इतना साउंड था कि बस बहुत ज़्यादा साउंड दे रहा था ये झूला। और घर में खाना बन रहा था, हम खाने के वेट में बस बैठे हुए थे। यहाँ पे अम्मी अप्पू खाना बना रहे हैं तो बस आप मज़ीद हम ही लोग नहीं। तो यहाँ पे बच्चे सो गए थे, हमने मज़ीद कुछ नहीं बनाया। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।